हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फ्री सर्विस यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे RRC चेन्नई के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है, और जो वैकेंसी है वो सफाई वाला एंड पैरामेडिकल पोस्ट के लिए है। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि RRC चेन्नई के द्वारा जो वैकेंसी आई हुई है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो देखते रहिए इस वीडियो का। इसी के बारे में बात करेंगे, और बात करें पोस्ट की, जिसमें दो पोस्ट हैं, चेन्नई सफाई वाला एंड पैरामेडिकल, दोनों अलग अलग वैकेंसीज हैं। तो मैं यहाँ पर एक साथ बता दे रहा हूँ आपको। और बात करें टोटल पोस्ट की, तो 328 पोस्ट के लिए वैकेंसी है इसमें। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 1/1/2019 के अनुसार काउंट होगा। और बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो पोस्ट वाइज जैसे कि मैंने बताया कि सफाई वाला के लिए, उसमें अगर कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें तो जनरल वालों के लिए 130 पोस्ट है, OBC के लिए 69, SC के लिए 39, ST के लिए 19, टोटल 257 पोस्ट। और इसमें जो एज चाहिए वो 18 से 33 साल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि एज लिमिट जो कैलकुलेट होगा वो 1/1/2019 के अनुसार होगा। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 10 एग्ज़ाम जो पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के द्वारा। और बात करें सफाई वाला जो है RRC के थ्रू वैकेंसी हुई, इसका एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये पे करना है, जिसमें कि 400 रुपये आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। चलिए ये अच्छा है। और ST SC PH हैंडीकेप के लिए 250 रुपये करना है, जिसमें कि पूरा 250 रिफंड हो जाएगा। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो है उसमें उनको भी 250 रुपये करना है, और जो उनका है 250 रुपये वो भी रिफंड कर दिया जाएगा। और जो एग्जामिनेशन फ़ी आप पे कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। बात करें अगर डेट की, तो एप्लीकेशन शुरू हो गया है हम 27/7/2018 से, और लास्ट डेट अप्लाई करने का है वो 27/8/2018 है शाम 5 बजे तक। और जो लास्ट डेट है पे फी करने का वो है 27/8/2018। तो ये हो गया सफाई वाला का पूरा डिटेल। और अगर बात करें पैरामेडिकल के लिए जो है फर्स्ट टोन में है, उसके लिए जो पहला पोस्ट है वो है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसमें जनरल वालों के लिए 17 पोस्ट है, OBC के लिए 10, SC के लिए 5, ST के लिए 3, टोटल 35 पोस्ट। इसमें जो एज है 20 से 40 साल होना चाहिए। और बात करें डिग्री की, तो एलिजिबिलिटी की, तो उसमें डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग विथ रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल। और जो दूसरा है वो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का है, इसमें जनरल वालों के लिए 12 पोस्ट है, OBC के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 4 पोस्ट है, ST वालों के लिए 2 है, टोटल 24 पोस्ट। इसमें जो एज लिमिट 18 से 33 साल होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो BSc डिग्री होना चाहिए विथ केमिस्ट्री एज अ मैन, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट विद डिप्लोमा ITI इन रिलेटेड पोस्ट। और जो उसके बाद है वो है हेमोडायलिसिस टेक्नीसियन, उसमें जनरल वालों के लिए कोई पोस्ट नहीं है, OBC के लिए 1 पोस्ट है, और टोटल 1 ही पोस्ट है सिर्फ OBC वालों के लिए। एज लिमिट जो है 20 से 33 साल होना चाहिए। इसमें जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो BSc होना, BSc डिग्री विथ डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस कोर्स। उसके बाद जो एक्सटेंशन एजुकेटर, इसमें जनरल वालों के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है, और भी किसी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। इसमें एज लिमिट जो है 22 से 35 साल होना चाहिए। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, तो बैचलर डिग्री इन सोशोलॉजी सोशल वर्क विथ 2 ईयर डिप्लोमा। उसके बाद रेडियोग्राफर, इसमें भी जनरल वालों के लिए ही सिर्फ 1 पोस्ट है, इसमें 18 से 33 साल एज होना चाहिए। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो 10+2 इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। उसके बाद जो है रेडियोग्राफर बता दिया। उसके बाद है आपका फार्मासिस्ट, इसमें भी सिर्फ जनरल वाले 1 पोस्ट है, एज लिमिट जो 20 से 35 साल, 10+2 इंटरमीडिएट इन साइंस विथ डिप्लोमा डिग्री इन फार्मेसी। उसके बाद जो है ECG टेक्नीसियन, इसमें सिर्फ OBC वालों के लिए 1 पोस्ट है, एज लिमिट 18 से 33 साल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 डिग्री इन साइंस विथ डिप्लोमा इन रिलेटेड पोस्ट। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें जनरल वालों के 4 पोस्ट है, OBC के 2 पोस्ट, SC के 1 पोस्ट, टोटल 7/18 से 33 साल इसमें एज लिमिट है। और जो एलिजिबिलिटी है, इसमें 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन DMLT। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन भी इनके 27/7/2018 है, लास्ट डेट अप्लाई करने का 27/8/2018 शाम 5 बजे तक कर सकते हो। लास्ट जो एग्ज़ाम फी पे करना होगी 27/8/2018 तक कर सकते हो। एग्ज़ाम फी जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल जो होगा वो भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाएगा। और बात करें ऑफिशियल वेबसाइट या फिर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो, या फिर इस एप्लीकेशन PDF जो नोटिफिकेशन है इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।